गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे इवनिंग, टाइम हो चुका है अराउंड 5:45। टाइम हो गया है, अभी मैंने हेयर वॉश किया, और हेयर वॉश मैंने अभी क्यों किया है क्योंकि मैं बिजी थी लेकिन मैंने कुछ और भी किया था हेयर्स में, वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और अभी विनोद का फोन आया, विनोद पहले गए थे चावड़ी बाजार, चावड़ी से वो गुड़गांव चले गए, और अभी कह रहे कि अब वो आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो उन्होंने बोला कि टीवी ऑन करके देखा, मैंने कहा नहीं, टाइम ही नहीं मिला टीवी ऑन करने का। तो कह रहे, मैंने पूछा है क्या हुआ, तो कह रहे बताया नहीं क्या हुआ, कह रहे टीवी ऑन करके देखो। तो देखती हूँ अभी क्या हुआ है, वही मुझे लगता है जो दिल्ली में हाल चल रहा है, दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में हाल चल रहा है। पता नहीं क्यों लोग किस चीज को लेकर के क्या करते हैं, समझ होती है नहीं, किसी चीज को समझते है नहीं, बस भेड़ चाल है अपना, उठाया और चल दिए, किसको क्या नुकसान हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, क्या कर सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, पहले तो सबसे पहले चाय पियेंगे। और हाँ, एक कुछ चीज में कुछ करने चाहते थे, मैं सोचा चलो आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। ये है विनोद की टी शर्ट, ठीक है, ये कॉटन की टी शर्ट है। और मैं क्या करती हूँ, टावल है ना बहुत हैवी हो जाता है, मुझे बहुत हैवी लगता है बालों में बांधना, तो मैं इसको इसके इस तरह से लेकर के बालों को आगे करके ऐसे, और इस टी शर्ट में ऐसे डाल लेती हूँ, और ये आपके हस्बैंड की टी शर्ट को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कॉटन की टी शर्ट है ना, हैवी भी नहीं लगेगा, आपके बाल भी सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे ना खुले बाल सर्दियों में ऐसे नहीं लगता, मेरे सिर में दर्द हो जाता है अगर मैं यूज करती रहूं, मतलब अगर बालों को ऐसे ही छोड़ दूं। और ड्रायर वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ, बहुत रेयरली जब मुझे होता है कि हाँ अब मुझे यूज ही करना है। जैसे जब परी हुई थी और जब नीरव हुआ था ना, नीरव हुआ था तब मैंने वो ड्रायर लिया था, आज तक मेरे पास वही ड्रायर है। तो जब जैसे परी दूध पीती थी मेरा, तो जब मैं हेड वॉश करती थी सर्दियों में, सिर्फ सर्दियों में, तब मैं ड्रायर का यूज करती थी, वो भी एक आध बार, जब जैसे धूप नहीं है तब मैं उसका यूज कर लेती थी बहुत हल्के से। तो मुझे ड्रायर और ये आयरन वगैरह करना ना बालों में बहुत ही बेकार लगता है। और अभी शादी में जब 2 दिन मेरे बालों में हुआ ना, उसके बाद तक जब तक मैंने अपने बालों में कुछ अच्छा हेल्दी सा लगा नहीं लिया ना, तब तक मुझे ऐसा लग गया यार मेरे बाल डैमेज हो गए हैं, अच्छे नहीं हो रहे, ये हो रहा है। तो बाल तो खैर मैंने आप लोगों को दिखा देता है ठीक ठाक, लेकिन वही होता ना दिमाग का क्या करे, दिमाग से तो नहीं निकलते ना चीजें, तो दिमाग में वही चल रहा था कि मेरे बालों में कुछ अच्छा सा नहीं लगा हुआ। इसको मैं दोबारा से करती हूँ, 1 मिनट रुको। बस अब ठीक है, अब हो गया। तो चलो पहले चाय पी लेती हूँ। हाँ, मैंने कुछ अच्छा सा यूज किया, वो जो भी यूज किया मैं अभी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैंने अमेजोन से और भी एक दो शॉपिंग की है, ज्यादा शॉपिंग नहीं की है मैंने, थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो एक दो पार्सल तो मेरी देवरानी के पास पड़ा हुआ है, अभी मैं उठा के लाऊंगी, क्योंकि मैंने वो जो अमेजोन वाला पैकेट देके जाता है ना, तो जब वो पहला पैकेट देके गया मैं थी नहीं, तो मैंने वहां डिलीवर करवा दिया। आज वो दूसरा पैकेट देके गया तो वो वहीं पे पहुंच गया, मैं चल भाई तू यहीं पे कर दे, मैं तो ले आऊंगी कोई नहीं। और बाकी पैकेट मेरे पास आ चुके हैं, ऐसा कुछ मैंने खास नहीं मंगवाया, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पहले चाय पी लेती हूँ और देख लेती हूँ न्यूज में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है आखिरकार, जो विनोद ने ऐसा बोला कि न्यूज देखो। तो चलो मैं देख लेती हूँ और पहले चाय पी लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है यार, बहुत सारी बातें करनी है। आई नो कि आप लोगों को भी मेरे हाउस टूर का इंतजार है, और अमित की वीडियो है ना यार, मैंने एडिट की थी, पता नहीं इसके बाद दूसरा पार्ट जाएगा इससे पहले जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन अमित का जो पहला पार्ट गया है ना, उसमें मैंने आप लोगों को डांस दिखाया था, परी जो डांस कर रही है ना चारपाई के ऊपर, वो गाना चल रहा था गज भर पानी ने चल ली, जो हरियाणवी डांस आजकल चल रहा है, गाना चल रहा है सपना का, वो गाना चल रहा था, परी उसके ऊपर डांस कर रही थी, तो मैंने वो पार्ट कट नहीं किया था। फिर जिस भाई का मैंने आप लोगों को डांस दिखाया कि इसने बहुत अच्छा डांस किया है, उसने 2-3 गानों पर डांस किया था, एक तो वो पाकिस्तानी पटाखा, फौजी में हिंदुस्तान का ऐसा करके थी वो, और एक और गाना था उसका भाभी देवर का कुछ गाना था, तो वो तो मैंने 3 बार वो वीडियो एडिट की, हर एक गाना, एक बार वो हटाया फिर कॉपीराइट आ गया, फिर दूसरा हटाया फिर कॉपीराइट आ गया, तीसरा हटाया फिर कॉपीराइट आ गया, फिर मैंने सारे गाने ही हटा दिए आप लोगों के। और जहाँ पे वो घुड़चिड़ी जैसे स्टार्ट होती है ना, वहां पे वो गाना चल रहा था, जाटा का छोरा और एक दो और गाना ऐसा ही था, फिर उनका भी स्ट्राइक आ गया, फिर लास्ट में मैंने सारे गाने हटा के वहां पे म्यूजिक ऐड करके और फिर आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया। क्योंकि यार 2 दिन से मैं कर रही हूँ, जब भी कर रही हूँ किसी न किसी चीज में स्ट्राइक आ रही है, इट मीन्स कि आप कोई भी गाना आप यूज नहीं कर सकते हो। तो फिर मैंने सारे गाने हटा के म्यूजिक लगाकर फिर आप लोगों को किया, और लेकिन अगर वो गाने के साथ आप उनको देखते ना तो मतलब अलग ही था यार, बिल्कुल। मैंने जो रो वीडियो थी ना वो डाली थी पहले, और क्या करे कॉपी स्ट्राइक आ गया, तो
हटाना पड़ा, लेकिन आप कभी अगर सुनने का मौका मिले, मगर आप इमेजिन करके देखना कि परी गजबर पानी नचाली में डांस कर रही है, और वो भाई था जो वो देवर वाले पे डांस कर रहा है, और फौजी में हिंदुस्तान का, तो वो भी बड़ा प्यारा गाना है। अगर कोई सुनता है तो आप एक बार सुन के देखिएगा उन हरियाणवी गानों को, और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं। तो चलो बहुत पका दिया है, फिलहाल चाय पका लेते हैं और इंजॉय कर लेते हैं। मैं एक्चुअली चाय बना करके और तब गई थी नहाने के लिए, तो फिलहाल चाय को मैं बस गर्म कर लूंगी। और नीरो के टीचर भी आए हुए थे तो मैं उनके लिए भी बनाई थी, लेकिन जैसे मैंने बनाई वो चले गए, तो मैं अब क्या बोलूँ उनको कि चाय पी के जाओ क्या है। फिर मैंने छोड़ दिया और मैं इसको ढक करके नहाने के लिए चली गई, और अभी हम करेंगे चाय के इंजॉय। और खाने के लिए कुछ भी नहीं है यार, वो नमकीन खत्म हो गई जो मैंने, आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, वो जो नमकीन मैंने बनाई थी बहुत यम्मी एंड टेस्टी बनती है। मेरे जो नंदोई है वो आए थे तो वो सारी कागे चले गए जो भी थी वो, तो मैं दोबारा से बनाऊंगी। और यार बहुत ठंडे हो रहे हैं हाथ, और देखो हाथों की भी क्या हालत हो रखी है, नेल्स कट करने हैं यार, क्या क्या करना है, पागल हो जाऊंगी मैं। अरे यार क्या हो रहा है दिल्ली में, अभी तो फिलहाल दिल्ली की पोजीशन देखी है मैंने, इंडिया वो क्या है जामा मस्जिद की, और वहां पर दरियापुर में पता नहीं यार क्या हो रहा है लोगों को। और यहाँ मेरे सिस्टर इन लोग के बेटे को भी चोट लग गई है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा तो नहीं है बट बच्चा है तो फिर भी सर्दी है। वो एक्चुअली सुबह रोड क्रॉस कर रहे थे और उसने एक साइड देख लिया, दूसरी साइड नहीं देखा, स्कूटी आ गई तो वो उसके चेस्ट पे और पैर वैर में लगी हुई है, और मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ। तो मैं चाय पी के एक बार वहां जाऊंगी और फिर आके आप लोगों से बात करती हूँ। और फिलहाल तो पी रही हूँ यार, मतलब वही ना जामा मस्जिद का हाल ऐसा है, दरियापुर का और ये सब इंडिया दिल्ली गेट वगैरह, तो विनोद का काम उसी तरफ रहता है, तो इसने मुझे आज भी मैंने उसको बोला था कि रहने दो, लेकिन वही कह रहे कि भाई काम तो करना ही है ना, क्या करे। और मतलब लोगों को समझ में नहीं आता यार इन सब करने से मिल क्या जाएगा। चलो चाय पी लेते हैं, क्या कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ओरिजिन के आंवला रीठा और ये है शिकाकाई पाउडर की। तो ये ओरिजिन एक्चुअली मैं पहले इस कंपनी के बारे में बता देती हूँ, ये मेरे पीआर पैकेज में आई थी ये वाले। तो इनका क्या है, ये एक इंडियन कंपनी है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो मेरे पीआर पैकेज में दिवाली से पहले से आए हुए हैं, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी इसकी वीडियो क्योंकि एक तो जस्ट मिनट पहले मैं इसको सेट कर लूं। मेरा ना जो ट्राइपोड है ये भी मतलब लचर पचर हो रखा है इसका। तो ये ओरिजिन जो कंपनी है ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो जब इनका मेरे पास कॉल आया तो सबसे पहले तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये अभी न्यू कंपनी है। तो मेरा एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कुछ नया कोई स्टार्ट करता है ना, और अगर मेरे से कोई भी चीज अगर हेल्प होती है, मुझे लगता है कि जब भी आपको एक नई चीज स्टार्ट करते हो तो आप किसी भी तरह से कोई भी हो अगर आप उसकी हेल्प करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने इनका साथ मतलब काम करना के लिए हाँ बोला। तो इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट भेजे हैं मुझे और कुछ भी नहीं, और ऐसा नहीं है मतलब पैसे दिए गए हैं या इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह लगी एक तो मेड इन इंडिया है, दूसरा ये पूरी तरह से हर्बल है, इनमें ना कोई मिनरल ऑयल है ना कोई पैराबिन है ना कोई सल्फेट है, तो ये 100% ऑर्गेनिक है प्रोडक्ट्स है जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि आंवला रीठा और शिकाकाई पाउडर है तो उसके बारे में करना है, तो मैंने बोला कि यस, क्योंकि जब हम कॉलेज में होते थे ना तब हम ये वाला पाउडर जो यूज करते थे, लेकिन वो क्या होता था ना, वो पाउडर ना हम लेके आते थे, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन वो ना थोड़ा दरदरा होता था, उसको हम बालों में लगाते थे, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, सबको पता है यार आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर क्या क्या इफेक्ट देता है आपके बालों में, लेकिन वो ना आंखों में चुभता था, वो थोड़ा सा दरदरा सा होता था इसलिए। लेकिन ये जो पाउडर ना ये बहुत ही फाइन पाउडर है, मैं इसको अगर खोल के दिखाऊं आप लोगों को तो ये देखिए इस तरह से है ये, और ये आपके बालों में आपको क्या करना है, तीनों के आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर तीनों को ही आपको दो दो चम्मच लेना है, पानी में पेस्ट बनाना है और अपने हेड पे लगा लेना है, और फिर नॉर्मली जैसे वॉश करते हैं वैसे वॉश कर देना है। तो अगर आपके ड्राई और फ्रिजी हेयर है या आपको डेंडर की प्रॉब्लम है या फिर आपके मतलब जो बाल है वो टूटते हैं झड़ते हैं वो सब चीजें हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैंने आज यूज किया क्योंकि मैं जैसे बता रही थी मुझे अपने बालों में बिल्कुल, आपने देखा होगा मैं कभी ड्रायर वगैरह यूज नहीं करती हूँ, बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करती, मैंने एक बार स्मूथनिंग करवाई थी वो आप लोगों को पता है पिछले सितंबर में करवाई थी, तो
मैं बाकी बहुत मतलब केयर ये तो नहीं बोलूंगी केयर करती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये सब चीजें यूज नहीं करती हूँ अपने बालों में तो। लेकिन ये क्योंकि 100% ऑर्गेनिक है, ये पैराबिन सल्फेट फ्री है और इंडियन कंपनी है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी इन लोगों की ये चीजें, और ना ही में कोई एडिड केमिकल है और नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं इनके। तो मैं इसका जो लिंक वगैरह ना वो नीचे दे दूंगी। आपके बालों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आंवला रीठा शिकाकर पाउडर आप यूज कर सकते हो। मैंने कभी कॉलेज टाइम पे ये यूज किया था, शादी के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है सब यूज करने का, तो कॉलेज टाइम पे वो भी जब हम बीकॉम कर रहे थे तब यूज किया था, बाद में एमबीए वगैरह में जाने के बाद तो फिर तब भी टाइम वाइम नहीं मिलता था। एक वही टाइम होता है जब आप थोड़े से फ्री होते हो, मतलब काम वाम इतना नहीं होता, आपको घर का काम किया तो किया, नहीं तो बस स्टडी कर ली, तो बस उस टाइम पे होती थी केयर यार, कर ली, यंग थे अब। और एमबीए में जाने के बाद तो फिर वही प्रेशर होता है स्टडी का थोड़ा सा, तो नहीं हो पाया था, और फिर शादी के बाद तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और जब मुझे इनके बारे में फिर से पता चला तो मैंने फटाफट गैस बोल दिया कि हाँ मैं करूंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे उधर जो फेवरेट प्रोडक्ट्स थे वो थे, और इतने टाइम बाद दोबारा से आपको अपने जो यादें हैं वो ताजा करने को मिली, तो इसलिए मैंने इनको यूज किया। और आप देख सकते हैं बाल बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी कि कैसे हैं। तो चलिए इन सबका जो लिंक वगैरह है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको दो दो चम्मच मिक्स करना है और पानी में मिक्स करके तीनों को दो दो चम्मच मिला लीजिए, पानी में मिक्स करके अपने बालों में लगा लीजिएगा। 30 to 45 मिनट तक लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर नॉर्मल जो वॉश करते हैं वैसे वॉश कर दीजिए। और ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के साथ कब मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था ना इसका, और ये मेरा अभी भी इतना बचा हुआ है सीरम, देख रहे हो, ये बोतल इतनी चलती है, महंगी तो है, किसी ने मुझे बोला था कि महंगा है, लेकिन महंगी तो है लेकिन बहुत चलती है, तो अभी मेरे कई महीने और चलेगी। तो चलो, दिल्ली का हाल तो बहुत बुरा है, अभी अभी पता चला कि वो दिल्ली गेट में गाड़ी में आग लगा दी है, मतलब क्या मिलता है यार ये सब करके। हाँ आ रही हूँ, नीरव आया है तो आ रही हूँ बेटा, अब भी आ रही हूँ मैं। खोल खोल गेट खोल, खोल ना मम्मा, क्या बुआ पास है? अच्छा चल, मैं चलती हूँ लेके, मम्मा चलेगी। रोने लग गई वहां, अभी बताओ ओटी। ओटी? किसने? बुआ। बुआ ने ओटी चाय पिला दी? हाँ। और परी कह रही है कि नहीं मम्मा मत जाओ, परी रो रही है, परी रो रही है। हाँ। बताओ सबको, लोली है, लोली है, कौन रो रहा है? परी रो रही है, मैं रो रही हूँ, परी रो रही है। हाँ। क्या क्यों रो रही है परी? वो गाना, गाना। हाँ। अच्छा क्या, किसने? बुआ चला दिया, बुआ ने गाना चला दिया। हाँ। इसलिए रो रहे हो आप? हाँ। और चाय? ओटी 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 चाय पिला दी मेरे बेटी को। हाँ। बुआ ने? हाँ। ओए, आपने फूफू को नहीं बताया? हुँ। बताया आपने फूफू को? फूफू थे घर पर? हाँ। क्या किया फूफू ने? भैया तो कह रहे फूफू नहीं थे घर पर। हाँ। नहीं थे? हाँ। अच्छा चल, ओटी बनाई है बुआ ने, ओटीटी बनाई है। हाँ। ओ चले फिर बुआ घर। हाँ। शिकायत करके आनी है? हाँ। अच्छा चलो चलो, पीतू चलो मम्मा, क्या करूँ, चल गए बुआ पास जाना। हाँ। अच्छा बुआ क्या किया बुआ ने? ओटी पिलाई है। अच्छा हाँ हाँ, ओटी पिलाई है, ओटी पिलाई है भैया, अभी चल खुजी खुजी अभी करती हूँ। चलो चल, एक बार सबको हेलो करना, सबको हेलो करना। अच्छा अच्छा, एक बार हेलो तो कर दो सबको। अच्छा चल, ओए भगवान जी है वो, जय करो, जय जय कर दो भगवान जी है। चलो चलते हैं, शूज पहन लूं मैं। हाँ। चलो तो मैं जा रही हूँ, परी ने किया बुआ की शिकायत, उसकी शिकायत सुनने के लिए, और मैंने पहन लिया कैप क्योंकि बाल अभी मेरे गीले हैं, ये आप देख रहे हो बाल हैं मेरे गीले, और मैं जा रही हूँ, और वो देखो जय जय की जा रही है।
चलिए परी की बुआ के घर पे मिलते हैं, और प्रिंस से भी मिलवा देती हूँ। वैसे नीरव कह रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यार मन नहीं मानता, बच्चा है लगी है तो। और चलो फिर अभी कॉल आ गई है, और फिर मैं आने के बाद ही बात करती हूँ आप लोगों से। बताओगे मम्मी अगर रोड क्रॉस ना बता गया आई थी तो फ्रेंड्स एक तो मैंने मंगवाया है खादी मयूरी का ये उपडन, तो ये कुछ इस तरह से है, और ये मैंने अपना मंगवाया प्रमोशन के लिए नहीं है, ये इस तरह से है ये, और ये आया है अमेजोन से मैंने मंगवाया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बाद में पढ़ा, इसमें स्टोरी बॉक्स में आता, बस ऐसे ही ध्यान चला गया मेरा, यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टोरी लिखी हुई जो इन्होंने यूज किया था तो उसके बारे में। और इसका जो प्राइस वगैरह है वो है इसका 350 रुपीज, इसका प्राइस है 200 ग्राम का ये है, 3 साल की स्पेशल फ्लाइट मिलती है। तो इसको मैं यूज करके और फिर बताऊंगी आपको ये कैसा है। वैसे परी ने ये खुलवा लिया था, कुछ इस तरह से है ये, एक सेकंड में अभी बताती। टीवी चल रहा था तो उसकी ज्यादा आवाज आ रही थी, और इस तरह से है ये, बिल्कुल क्रीम के जैसा है ये, परी माने नहीं तो मैंने खोल के देख लिया था कुछ इस तरह से। तो इसको यूज करके फिर मैं बताऊंगी, और कल ही मैं इसको यूज करने वाली हूँ। और मैंने एक मंगवाया है परी के लिए, ये 10 बुक का सेट है, तो ये काफी अच्छी है। अगर आपका बच्चा अभी 1.5 साल का है तो आप ये मंगवा सकते हो, 1.5 साल से ऊपर के बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। अभी जैसे प्राइमरी वगैरह में अगर वो जा रहा है, प्राइमरी कौन सी होती है अभी, नर्सरी में जाएगी ना अभी, प्ले स्कूल में अगर जा रहा है तो, सॉरी प्ले स्कूल में जा रहा है तो ये है। तो इसमें कलर है, शेप है, ट्रांसपोर्ट नंबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बर्ड्स वगैरह है, क्वालिटी काफी अच्छी है, 10 का सेट है ये। और ये मतलब इसमें रखने के लिए भी बॉक्स साथ में है, तो ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी है। वैसे शायद 50-60 रुपए की एक बुक आती है, तो 50 की भी एक बुक है तो 500 रुपए हो गए, लेकिन ये काफी सस्ती मिली है, तो कुछ इस तरह से है ये। इनमें आती है, इसमें भी क्वालिटी आती है कि कौन सी अच्छी है, क्योंकि बच्चे तो फाड़ देते हैं, तो सही क्वालिटी का यूज करना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि कैसा है। और ये आप इसी में इसको इस तरह से सेट करके और रख सकते हैं, तो डेली भी एक आप बच्चों को देंगे तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, डिफरेंट है ये। तो ये है माई फर्स्ट लाइब्रेरी, इस तरह से अगर इनके लिंक होंगे ना तो मैं नीचे डाल दूंगी, सबका लिंक डाल दूंगी मैं, अगर आप किसी को मंगवाना है तो। और मैंने क्या मंगवाया था, औ नाखून टूट गया मेरा। और इसे मैंने मंगवाए हैं ग्लास, तो मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाती हूँ, कहाँ से खुलेगा ये। तो मैंने मंगवाए थे कप, ये वाला कप तो बिल्कुल सही सलामत आया है, बहुत ही प्यारा लगा था मुझे इसका प्रिंट वगैरह, मुझे चाहिए था इस कलर में, एक येलो कलर में। एक ये मंगवाया है, एक ये मंगवाया था जो कि टूटा हुआ आया है बिल्कुल ही, और एक ये टूटा हुआ आया है। तो ये 2 कलर मंगवाए थे मैंने, बहुत मुझे प्यारे लग रहे थे, एक रेड कलर में और एक इस कलर में, तो दोनों टूटे हुए हैं, इनको मुझे वापस करना पड़ेगा, और ये आया है सही सलामत। तो मैंने बस ये एक दो चीजें ही मंगवाई थी वहां से, और ये मेरी आ गई है, तो इनके लिए मैं काफी एक्साइटेड थी, कब आएंगे, आए हैं लेकिन इस हालत में आए हैं, तो मुझे वापस करने पड़ेंगे। और एक मैंने नीरव के लिए लंच बॉक्स मंगवाया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी कि कैसा है, किसी दिन लंच बॉक्स जो मैं पैक करूंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी। और यह पता क्या है, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो इस घर की वीडियो देखने के लिए कि कैसे मैंने डेकोरेट किया है, तो सच बताऊं तो यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस घर को कैसे डेकोरेट करूं, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब अपना घर लेने के बाद इतनी प्रॉब्लम होगी कि आपको घर डेकोरेट करने के लिए इतना सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो चीजें की है लेकिन मतलब मुझे पता नहीं था कि अपना घर लेने के बाद इतनी प्रॉब्लम होगी घर को डेकोरेट करने में। किचन मेरा सेट हो गया है, किचन हो गया मेरा, वॉशरूम हो गया, वॉशरूम में सिर्फ एक चीज बाकी है, तो पहले मैं वॉशरूम और किचन का टूर तो आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन बाकी यार मतलब बेडरूम में तो कुछ हुआ ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं कैसे करूं। और लिविंग रूम में कर दिया था लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको फिर से चेंज कर रही हूं, और बच्चों वाला रूम है वो भी ऐसे ही है। तो मतलब एक होता है ना कि मतलब शायद कुछ बहुत ज्यादा करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वो हाल हो रखा है।
मतलब मेरे को लगा कि मैं कुछ अलग से करूंगी और उसके चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करूं क्या करूं। मतलब पता नहीं था कि अपना घर लेने के बाद उसको डेकोरेट करने के लिए इतना सोचना पड़ेगा, इतनी प्रॉब्लम होगी तो पता नहीं कैसे क्या हुआ। और भी कई सारे काम है जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, हो ही नहीं रहे हैं। और था कि मतलब मैं इतने अच्छे से डेकोरेट करूंगी, तो कुछ चीजें हैं जो समझ ही नहीं आ रही। जैसे एक गुड़गांव वाला जब घर ना, वो जब हमने बनाया था तो उसका पूरा इंटीरियर खुद ही किया था। मतलब वहां पे ये सब चीजें भी, इंटीरियर के साथ साथ की लाइट कहाँ पे लगेगी, पानी की सप्लाई कहाँ से होगी, कौन सा टैप कहाँ पे लगेगा, जो इंजीनियर वगैरह करते हैं। तो वो जो हमने, हम लोगों ने फ्लोर बनाया था ना, तो अपने अकॉर्डिंग बनाया था। और उसके बाद जो बाकी इंटीरियर का काम था, जो वार्डरोब वगैरह निकालनी थी, क्या डिजाइन होगा, कैसे होगा, टाइल्स कैसे लगेंगी, वो सब हम लोगों ने अपने हिसाब से किया था। अब ये क्या है, अच्छा है, बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जैसे आप चेंज नहीं करते। जैसे व्हाइट वॉश है, वो हमें पसंद नहीं आई, नहीं अच्छी लग रही, लेकिन उसको हम अभी चेंज नहीं कर सकते। तो इस व्हाइट वॉश के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, कैसे उसको हम करें, और फिर अभी हम इसको दिवाली पे चेंज करने का भी सोच रहे हैं। मतलब व्हाइट वॉश को कि दिवाली पे चेंज करेंगे, उससे पहले पर्दे लगाने हैं, कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए। मतलब यार सच में बहुत दिमाग खराब हो रखा है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने पता नहीं कैसे डेकोरेट कर दिया हुआ घर को, तो बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं कर रखा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एज इट इज जैसा है वैसे का वैसे आप लोगों को एक बार हाउस टूर करवाऊं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट तो हो नहीं रहे हैं। तो जितने ज्यादा लाइक आएंगे उतना मुझे पता चलेगा कि आप लोग चाहते हो कि मैं एक बार एज इट इज ही आप लोगों को इस घर का हाउस टूर करवा दूं, एक बार जैसा भी है वैसे। और कल कुछ एक चीजें मेरे दिमाग में आई है कि मैं ऐसे करूंगी, तो उसको लेकर के मैं कुछ कल शॉपिंग करने जा रहे हैं। कल कुछ एक शॉपिंग करेंगे, परसों करेंगे। तो मेकओवर मैं कर रही हूँ, शायद दो दिन में बच्चों का रूम और बाहर का रूम शायद से हो जाए, शायद से, नॉट श्योर। और इस बेडरूम के लिए मुझे बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने, उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, तो ये पता नहीं कब होगा। लेकिन कुछ एक चीजें हैं तो मैं कल आप लोगों को जरूर लेके चलूंगी, जहां पर भी जाऊंगी, जो भी शॉपिंग करने जाऊंगी, तो आप लोगों को जरूर लेके जाऊंगी कि कहां जा रही हूं मैं। तो वो सब चीजें हैं। बाकी चलो, आज तो बस मुझे आप लोगों से चिट चैट करनी थी, बातें करनी थी। बहुत मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं पता नहीं था कि अपना घर लेने के बाद इतनी प्रॉब्लम होगी। तो बस, और कुछ एक चीज मेरी आई थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ उनको शेयर कर लेती हूं। और इनके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बट टूटे हुए हैं ये और मुझे वापस भेजने पड़ेंगे। और ये होम सेंटर से ही है तीनों। हाँ यार, विनोद का बर्थडे भी आ रहा है और अभी तक विनोद के बर्थडे की भी शॉपिंग मैंने नहीं की है। और जैन में हम कहीं घूमने जा रहे हैं, उसकी भी शॉपिंग नहीं हुई है। तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए, पता नहीं कैसे होगा। तो चलो, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं एक बार आप लोगों को पता चल जाए मुझे, और मैं आप लोगों को एक बार हाउस टूर करवा दूं, या फिर मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी, वोट डाल दूंगी, तो देखते हैं। वैसे बाथरूम मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, तो बाथरूम का शायद एक दो दिन में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का डाल दूं, और किचन का भी। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। आप प्लीज, और आपको अगर वीडियो जरा से भी पसंद आती है ना, तो उसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सब्सक्राइब करो मत करो, बट प्लीज लाइक कर तो जरूर कर दो। एक बार एक बटन ये प्रेस करना है आपको, जो थंब वाला है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर, नई वीडियो में मिलती हूँ। और अभी जाकर के कर रही हूँ मैं अमित के जो शादी है उसकी सेकंड पार्ट को एडिट करके, और आप लोगों के लिए लगा रहे हैं उसको अपलोडिंग पे। देखते हैं पहले ये वाला जाएगा, वो वाला जाएगा, जो भी है। बहुत सारी बातें हो गई, आई नो आज मैंने आप लोगों को पका दिया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलता है ना फ्रेंडशिप में, इतना तो कभी आप कभी मैं, दोनों का ऐसे ही चलता रहता है। तो कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा मेरी भी कभी कभी। और ऐसे आप बोलोगे कि आपकी सुनते हैं, हम तो बोल ही नहीं पाते तो क्या करें। तो चलो फिर, आपसे नई वीडियो में मिलती हूँ मैं, और इसका अगली वीडियो में मैं इसका जो रिव्यू है वो जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैं कल ही इसको अप्लाई करके देखने वाली हूँ। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है, ये मैंने अपने पैसों से मंगवाया है। तो चलो फिर, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।